भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष चुने गए हैं। अक्टूबर 2019 में BCCI का कामकाज संभाल रहे जय शाह 1 दिसंबर 2024 से ICC चेयरमैन का पद संभालेंगे। मौजूदा अध्यक्ष ग्रेग वार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इस पद के लिए नामांकन करने की तिथि 23 अगस्त थी। ICC के अनुसार जय शाह एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने इस पद के लिए नामांकन भरा था और उन्हें निर्विरोध अगला अध्यक्ष चुना गया है। वार्कले ने 30 नवंबर को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद तीसरे कार्यकाल की दौड़ से खुद को अलग कर लिया, जिससे खेल के वैश्विक संचालन संस्थान में जय शाह के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। जय शाह को ICC के बोर्ड में सबसे प्रभावशाली चेहरे में से एक माना जाता है। वे वर्तमान में ICC की शक्तिशाली वित्त और वाणिज्यिक मामलों के उप समिति के प्रमुख का संभाल रहे हैं। वे वर्तमान में ICC की शक्तिशाली वित्त और वाणिज्यिक मामलों की उप समिति के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। ICC अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद जय शाह ने क्रिकेट की वैश्विक पहुँच और लोकप्रियता को आगे बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया है। ICC के बयान के अनुसार शाह ने कहा, ICC अध्यक्ष पद पर चुने जाने से मैं अभिभूत हूँ। मैं वैश्विक क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए ICC टीम और हमारे सदस्य देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आगे उन्होंने कहा, हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहाँ कई प्ररूपों से सह अस्तित्व को संतुलित करना, नई तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देना, हमारे प्रमुख कार्यक्रमों को नए वैश्विक बाजारों में पेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हमारा लक्ष्य क्रिकेट को और भी प्रसिद्ध बनाना है। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।